हेलो, वेलकम इन एक्यू स्टडी 1024। और इस पार्ट में मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, हीरोज़ फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिनका जो बेस है वो सेम है, ठीक है, और एरिया भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ट्रायंगल है और ये एक पैरेललोग्राम है, इनका ये बेस सेम है। अब यहाँ पर है कि हमें बताना है कि जो पैरेललोग्राम है इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है मैंने वो लिख लिया, हमें एक ट्रायंगल गिवन है और एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका कॉमन बेस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने ट्रायंगल का नाम दिया ABC और पैरेललोग्राम का नाम दिया ACDE, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम मैंने, और एक और चीज़ क्या गिवन है कि दोनों का एरिया बराबर है, तो ट्रायंगल का नाम क्या दिया मैंने ABC, ऐसे ही पैरेललोग्राम का नाम क्या दिया ACDE, ठीक है। अब हमें जो निकालना है टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी हाइट। तो इसकी हाइट हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है मान लीजिए इसकी हाइट ई जी मान लेते हैं इसे, ठीक है। हाइट हाइट को एच मान लेते हैं, एच हाइट की है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें एच फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ACB में हमें देखिए क्या पता है, इनमें से एक साइड को ए, एक साइड को बी और एक साइड को सी मान लेता हूँ मैं। मैंने माना ए इज इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एस निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एस निकालेंगे हम। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ठीक है। ए कितना है, ए है 28, बी है 26 और सी है 30 डिवाइड बाई टू। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आएगा 84 और उसको हाफ करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि एस हमको पता लग गया 42 सेंटीमीटर। हम करेंगे क्या, हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और इसको इक्वल रख देंगे पैरेललोग्राम के एरिया के, ठीक है। तो वहाँ से हमें एच मिल जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हीरोन फॉर्मूले से क्या हुआ, ये हीरोन फॉर्मूले से होगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C इज इक्वल टू, S की वैल्यू आई है 42, तो ये हो गया 42, एस की जगह फिर से 42 माइनस ए, ए की वैल्यू है 28, फिर से एस, एस यानी 42, बी, बी की वैल्यू है 26, फिर से एस यानी कि 42 माइनस सी, सी की वैल्यू है 30। अब यहाँ से ये आ गया 42 इंटू 42 में से 28 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 14 इंटू 42 में से 26 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 16, ऐसे ही 42 में से 30 माइनस करोगे तो आएगा 12, ठीक है। अब एक तरीका है ये कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट ले लो, ठीक है। उससे भी अच्छा एक तरीका है कि आप अगर इसके फैक्टर कर सकते हैं, जैसे कि इसके पेयर बन जाएं, तो आप दो के बदले में एक बाहर ले सकते हो। मैंने पहली वीडियो में बताया था, जैसे अंडर रूट के अंदर अगर 5 × 5 है, दो बार उसका जोड़ा बन रहा है, तो आप एक बार 5 बाहर ले लो, ठीक है। उसके लिए आपको ये भले ही ना पता हो कि 25 का अंडर रूट 5 होता है, बट इसमें आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 42 अब मैंने लिख दिया इसे 6 7 जा 42, ऐसे मैं क्यों तोड़ा, क्योंकि 7 मुझे 14 से भी मिल जाएगा, है ना, 2 × 7 = 14 होता है, ठीक है। आप जानते हैं 16 का अंडर रूट तो 4 होता ही है, तो 16 का अंडर रूट सीधा मैंने बाहर ले लिया 4, क्योंकि 16 को लिख सकते हैं वैसे भी 4 × 4, दो बार के बदले में एक बार बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ बचा 12 को आप लिख लीजिए फैक्टर करके, 2 × 2 = 4 3 = 12, 2 × 2 = 12। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जी जी इसका जोड़ा बन रहा है, आप उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। 2 × 3 = 6 होता है,
ठीक है। आप 12 को ऐसे मत लिखो, 6 हमारे पास है तो आप लिख दो 2 6 12, ठीक है ना। 6 और 6 का जोड़ा बन गया, वैसे भी आ जाता बट मैंने समझाने के लिए 2 × 6 लिख दिया, वैसे 2 3 6 ही होते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से 6 भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 7 येरा 7 येरा, 7 का भी पेयर बन रहा है, 7 भी बाहर आ गया, ऐसे ही यारा 2 और यारा 2, 2 का भी पेयर बन रहा है, 2 भी बाहर आ गया। अंदर सब कुछ बाहर आ चुका है तो समझ लो कितना बचा होगा, 1, ठीक है। 1 का अंडर रूट आप जानते हैं 1 ही होता है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 24 × 7 2 14, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया ट्रायंगल का, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन में था कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वही ट्रायंगल का भी एरिया है, ठीक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। ये हमें पता था, अब हमें पता है ट्रायंगल का एरिया निकल चुका है हमारे पास, तो इसके नीचे लिख देंगे हम जो हमारा ट्रायंगल का एरिया आया है। पैरेललोग्राम का एरिया आप जानते हैं, ठीक है, अगर उसकी हाइट h है, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होगा, बेस क्या है देखिए, बेस है 28, तो मैं बेस के नीचे लिख दूंगा 28, हाइट मुझे नहीं पता तो मैं लिखूंगा हाइट के नीचे h, यह आ जाएगा 336, h की वैल्यू आ जाएगी 336, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर तो जाएगा ये डिवाइड में, ठीक है। अब इसको काटेंगे 28 बन जा 28, कितना बचा 5 और 6 56, 28 2 56, ठीक है। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आई वो आ गई 12 सेंटीमीटर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।